स्केट्स बिल्कुल नहीं जानते, आपको स्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप, लेकिन आप अगर आप स्केट सीखना चाहते हैं तो ये वाला स्केट बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट होता है। मैंने भी इसी स्केट में, अभी तक जो भी मैं स्केट करता हूँ या सीखा हूँ, मैंने भी इसी स्केट से सीखा है। तो बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये फोर लाइन फोर व्हील सेटअप रहता है, तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक स्केट हो जाता है इंडियन मार्केट में। हालांकि इसके अलावा और भी ऑप्शंस है। सो गाइस, ये है ऑक्सेलो MF 500 इनलाइन स्केट्स। डिकैथलॉन का एप्लीकेशन खोलोगे, वहां पे अगर आप लिखोगे MF 500 तो आपको ये देखने को मिलेगा। या अगर आप इसको ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो डिकैथलॉन के स्टोर पे, जहाँ पे डिकैथलॉन का स्टोर है, वहां पे आप जाकर के खोजोगे MF 500 तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपको ऑफलाइन ये इजिली मिलता नहीं है, आपको इसको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो डिकैथलॉन का जो ऑनलाइन स्टोर है, आप वहां पे जाकर के MF 500 इनलाइन स्केट सर्च करोगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बॉडी से। तो इसका, इसको हार्ड बूट शूज बोलते हैं बेसिकली, और क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का है, इसका जो बूट है ये पूरा प्लास्टिक का है, इस वजह से इसको हार्ड बूट इनलाइन स्केट बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक 45 डिग्री के एंगल पे ये एक स्ट्रैप है, जो कि आपके पैर को स्केट के साथ बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पकड़ के रखता है। जब भी आप जंप लोगे इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, इस वजह से स्केट पैर के साथ में मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे और एक बक्कल दिया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला और एक बक्कल है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से खुलता है और यहाँ पे इस तरीके से इसका इन होता है। तो ये भी आपके पैर को सपोर्ट करने के लिए है, ताकि ये अंदर का जो लाइनर है उसके साथ में आपके पैर को अच्छे से पकड़ के रखता है। उसके बाद अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है, ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत फ्रेम है। आप अगर जंप वगैरह लेते हो तो इसमें बहुत ही अच्छे से उस जंप को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी आपको कोई स्केट में दिक्कत नहीं आता है, स्केटिंग करते टाइम आपको किस तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये 80mm के आपको इसमें व्हील्स मिलते हैं, जो कि 86A इसका हार्डनेस होता है, और इसका साइज जो है 80mm का साइज रहता है। इसमें चार आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं और इसका जो हार्डनेस है 86A इसका हार्डनेस रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉक एब्जॉर्बर रहता है, जब आप किसी खुरदुरी सड़क पे आप जब स्केट करते हैं तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है आपको, लेकिन क्योंकि इसके जो व्हील साइज छोटे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको पैरों में फील होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप ये लेस है वो देख सकते हैं, और इसको लेस को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, ताकि ये कटे ना, उसके लिए यहाँ पे इधर पे बढ़िया से फिटिंग वगैरह दिया गया है इसका। इसके अलावा आप यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसका स्क्रैच गार्ड। ये बेसिकली बूट के सेफ्टी के लिए दिया गया है, जब भी बूट नीचे गिरता है या आप गिरते हो या स्केट मतलब स्लिप करता है, तो ये आपको आपके बूट को सेफ रखने के लिए, इसमें कोई किसी तरीके का स्क्रैच ना आए, इसके लिए यहाँ पे ये गार्ड दिया गया है स्केट में। इसके अलावा आप इसके लाइनर को देख सकते हैं, इसके अंदर में एक लाइनर है, मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। इसको निकालना है तो आपको ये पूरा खोलना पड़ता है, और इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे आप लेस को, तो यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, और इसके लाइनर को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे लाइनर देखने को मिलता है अंदर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको बहुत ही अच्छे से आपका पैर इसके अंदर में सेफ भी रहता है, और अच्छे तरीके से, मतलब पैरों का मूवमेंट अच्छा हो आपका स्केटिंग के टाइम, तो उसके लिए भी ये इसका जो कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पैर को कंफर्टेबली मतलब रखता है। तो ये लाइनर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सेलो का ब्रांडिंग किया हुआ है, और इस तरीके से कुछ आपको लाइनर देखने को मिलता है।
और इसी के साथ अगर आपको ये देखना है इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है, तो इस तरीके का शॉक एब्जॉर्बर इसमें आपको लगा हुआ मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। अगर सड़क खराब है तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। इसको वापस से इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, बस हल्का सा पुश कर देंगे आप तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा ये इस तरीके से। और वापस इस लाइनर को इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा पुश करेंगे आप इधर, इस तरीके से ये बैठ जाता है। तो गाइस ये है ऑक्सेलो MF500 इनलाइन स्केट्स। बिल्ड क्वालिटी इसमें जो आपको मिलेगा वो दूसरे ब्रांड के स्केट्स में नहीं मिलेगा। अगर फिर आपको अगर अच्छे बिल्ड वाले स्केट्स लेना है तो आपको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑक्सेलो MF500 आपको सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो इस वजह से इस रेंज में इससे बेहतरीन स्केट इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केट में आपको दूसरे स्केट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके जो प्राइस है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि 20 हज़ार या 25 हज़ार के आसपास आपको दूसरे स्केट्स देखने को मिलेंगे। ये स्केट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जो भी स्केट सीखना चाहते हैं या जो बिगनर है स्केटिंग में, तो उनके लिए ये MF500 बहुत ही बेहतरीन स्केट है। सो गाइस इस वीडियो में मैंने MF500 इनलाइन स्केट के कुछ की पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी स्केटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।